नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई बिलीव इन ब्रिंगिंग द रियल पीपल इन दिस प्लेटफॉर्म। जिस तरह से मुझे आपकी टीचिंग्स ने एक सर एक मुझे गाइडेंस दी, मैं यहाँ ही आपने मुझे रोड मैप दिखाया। सर कितने अच्छे वे में पढ़ा रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आ रहा। मैंने यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक किया है, तो इसका श्रेय मैं कहीं ना कहीं विनीत सर के ऑनलाइन क्लासेस को देना चाहूंगी। यहाँ पे हमारे साथ है नंदनी। आपकी क्लासेस ने जो नोट्स प्रोवाइड किए, तो सर उनसे मुझे एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप और एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिली सर, जिसके थ्रू मैं CUET PG क्रैक कर पाई। आपको लगता था आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे? नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई बिलीव इन ब्रिंगिंग द रियल पीपल इन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमारे साथ है नंदनी, CUET PG की टॉपर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्टूडेंट है। और आज नंदनी, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये एक पोर्टल है जहां पे मेरे स्टूडेंट्स रियल टॉपर से मिलते हैं। आप खुद मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, आपने पहले इंटरव्यूज देखे होंगे बहुत सारे लोगों के। दोस्तों, CUET PG का एग्जाम आने वाला है और एग्जाम से अगर थोड़ा सा पहले ही एक टॉपर आके आपसे अपनी बात करे, अपनी जर्नी के बारे में बताए, तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नंदनी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रही हो, कैसा लग रहा है? सर सबका एक सपना होता है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, और मैं अपना वो सपना पूरा कर रही हूँ कि मैं अपनी मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँ। सो सर इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि सर वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं सर वेल नोन प्रोफेसर्स हैं, और सभी एक स्टूडेंट की यही इच्छा होती है कि वो एक अच्छे प्रोफेसर से पढ़े। तो सर वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है सर, और एक अच्छी एजुकेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं सर। सो इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। एक जैसे आप स्मॉल टाउन से हैं, तो जैसे कि देखा जाता है नंदनी हरियाणा से हैं, और हरियाणा में और राजस्थान में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है इंग्लिश एजुकेशन के बारे में, हालांकि चीज़ें बदल रही हैं। आपको लगता था आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँच जाओगे? सर हमेशा एक टफ टास्क होता है सर, किसी अच्छी चीज़ की तरफ हम कदम रखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है सर। लेकिन जो मेरी सिटी है सर, उसमें बहुत कुछ ज़्यादा माहौल नहीं है सर इंग्लिश को लेके, और पीपल आर लेस सीरियस अबाउट इंग्लिश। तो सर वो तो मैं आपकी हेल्प की वजह से ही जा पाई सर, जो आपका सपोर्ट था, जो आपकी क्लासेस थी, जिस तरह से मुझे आपकी टीचिंग्स ने एक सर एक मुझे गाइडेंस दी और एक मुझे नई राह मिली सर, बिकॉज आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि कहाँ से शुरू करूँ, कैसे तैयारी शुरू करूँ। तो सर जो आपकी क्लासेस से जो मैंने पढ़ा सर ऑनलाइन, और जो मुझे आपकी क्लासेस ने जो नोट्स प्रोवाइड किए, तो सर उनसे मुझे एक बहुत ही अच्छा बिल्डअप और एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिली सर, जिसके थ्रू मैं CUET PG क्रैक कर पाई। CUET PG के लिए जब आप प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आए थे, तो जो मुझे चीज़ें याद है, क्योंकि आपके मैं मामा से मिल चुका, शी इज़ अ प्रोफेसर, वेरी गुड रेनाउंड प्रोफेसर। आपको ये लगता था कि नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, हजारों बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, सभी का टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सभी का टारगेट है JNU। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने 3 साल पढ़ा है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचना आसान चीज नहीं है। जी सर। तो आपका क्या मेथड था प्रिपरेशन का? जैसे ठीक है, क्लासेस या नोट हमने दे दिए, आपका अपना इंडिविजुअल पैटर्न क्या था पढ़ने का, वो आप स्टूडेंट्स को बताइए। सर जैसे कि आपने बताया कि सर ग्रेजुएशन करने के बाद ये एक फियर रहता है दिमाग में कि इट्स अ बिग नेशनल लेवल एग्ज़ाम है सर, और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही नहीं, थ्रू आउट द इंडिया सभी लोग चाहते हैं कि उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एंट्रेंस क्लियर हो। तो सर सबसे पहली बात तो है कि आपको अपना एक माइंड मेकअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर दैट येस आई हैव टू क्रैक। तो फिर वो आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, आपको फिर इधर उधर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और ऐसे प्रयास करना छोड़ना होगा। आपको सबसे पहले एक सटीक आपके दिमाग में एक व्यू होना चाहिए कि यस आई हैव टू क्रैक, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपको कैसे अब आप क्रैक कर पाएंगे। तो सर मेरे दिमाग में ये बात तो थी कि यस आई हैव टू क्रैक, बट आई वाज रियली वेरी मच कंफ्यूज कि कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, क्योंकि देयर वाज अ होल लॉट सिलेबस और आई वाज वेरी न्यू कि मैं कोई नेशनल एग्जाम फर्स्ट टाइम फेस करूं। तो सर जैसे ही मैं आपकी गाइडेंस में आई सर, थिंग्स वर वेरी क्रिस्टल क्लियर कि यस दीज आर द थिंग्स, दैट्स हाउ आई हैव टू डू। सो सर आपकी क्लासेस ने मुझे हेल्प किया, और सर जो आपकी गाइडेंस में सर मैंने प्रिपरेशन की, दैट वाज द ओनली प्रिपरेशन सर, उसके अलावा मैंने कुछ ऐसा कुछ तैयारी नहीं की। और सर जो आपने प्रिपेयर कराया दैट वाज रियली मोर देन इनफ, उसके अलावा कुछ ज़्यादा हमें कवर करने की ज़रूरत भी नहीं होती। और वही सर जो आपने भी चीज़ें बताई और जो पिछले ईयर की क्वेश्चन
क्वेश्चन पेपर्स थे सर, मैंने अपनी तरफ से वो जो आए हुए थे उन्हीं को ही एक बार मैंने देखा और जो आपने पढ़ाया था सर वो पढ़ा और दैट्स इट विद अ पॉजिटिव नोट सर आई क्रैक दिस एग्जाम। नंदिनी जैसे आपने बोला कि मैं भी कई बार अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मोर देन इनफ होगा, लेकिन पढ़ाता हूँ मैं सभी लोगों को, मैंने सभी को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स होते हैं। आपने उन नोट्स को CUET PG के नोट्स एंड क्लासेस को किस तरह से यूटिलाइज किया है? आपके पढ़ने के नॉर्मली कितने आवर्स होते थे पढ़ने के, क्या मॉर्निंग रूटीन था, क्या आप अपने नोट्स भी अलग से बना रहे थे उनको पढ़ के, कुछ वो भी हमारे स्टूडेंट्स को जानना है क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया स्टूडेंट्स का और आपका जो एक मेथड है स्ट्रेटजी है वो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवा देगी। सर वैसे तो अगर CUET PG की बात की जाए सर तो इसका सिलेबस जैसे कि उस पर CUET की साइट पे सर UGC नेट की साइट पे उस पर दिया भी हुआ है सर, वहाँ से हमें एक बार सबसे पहले तो सिलेबस देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या दिया हुआ है, फिर सर उसके बाद जैसा कि जो आप पढ़ाते हैं क्लासेस आप लेते हैं सर हमें वो सारी कवर करनी है, वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा एडिशनल हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक बार उनसे गो थ्रू होके और फिर उसके बाद जो भी उसमें क्वेश्चंस आए हैं एक बार उन्हीं को उन्हीं चीज़ों को बस जो हमारे पास हमें हर तरफ नहीं भागना, हमारे पास जो मटेरियल है और जितना हमारे पास है हमें सबसे पहले उसी को ही पूरी तरह कवर करना है। और सर बेसिकली मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा घंटे ऐसे नहीं था कि मैं बहुत ही 8-8 घंटे पढ़ रही हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सुबह ज़्यादातर नहीं पढ़ पाती तो मैं रात को पढ़ती थी, मेरा जो स्टडी रूटीन था पर्सनली वो मैं रात को पढ़ती थी, तो रात को मैं एक स्ट्रेच पे जो भी आपने पढ़ाया जो भी उनको मैं खुद, ये ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं चाहे वो सर के पास से पढ़ रहे हैं या फिर आप खुद पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़रूरी ये है कि हम उन सब चीज़ों को नोट डाउन करें। सर वही चीज़ें मैंने जो जो आपने कवर कराई जो जो मैंने खुद से कवर की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू वो सिर्फ क्या करना है आपको नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके उन्हीं पे ही गो थ्रू करिए, बार बार उन्हीं पे ही गो थ्रू करिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो आप कर चुके हो उनको खुद से करने की कोशिश कीजिए कि देखिए कि आपको कितना आ पाया है। तो सर मेरा तो यही था और सर एक पॉजिटिव माइंड सेट इसके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मुझे करना है, बस ये दो ही चीजें हैं जो मैटर करती हैं, फिर सर उसके बाद चीजें इजी हो जाती हैं सर। अच्छा एक चीज ये बताओ जैसे अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके अब यू आर स्टडिंग इट्स सेकंड सेमेस्टर राइट? यस सर। हमारा इंटरव्यू बहुत डिले हो चुका है एंड शी इज अ फैमिली पर्सन, तो नंदिनी जब भी मुझसे बोलती थी कि सर आप बताइएगा कब आना है इंटरव्यू के लिए और हमेशा कोई ना कोई टास्क होता था जी आपने कम से कम 10-12 बार पूछा होगा जी सर, और मैं हर बार होल्ड कर देता था। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए जी सर, अच्छा आप कोचिंग क्लासेस यहाँ पढ़ चुके हो जी सर, तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लिटरेचर और मेरा लेवल जो है अब मैच ही नहीं हो रहा, अलग अलग हो गया? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मास्टर्स में आने वाली है वो हम पहले ही कवर कर चुके होते हैं, तो इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल हमारे लिए क्योंकि जो चीज़ें हमने कवर की वो हमारे सर मास्टर्स में जो भी सिलेबस आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही सेम रहता है और DU के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे बहुत सारी हमें मतलब मैं कहूँगी कि हमें 85% तक हमें पूरी तरह हेल्प करती है, उसके बाद तो जो सेल्फ स्टडी है सर वो मैटर करती है। जैसे अभी नंदिनी ने बोला 85% तक हेल्प करती है, उसका रीजन बताता हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने करियर में था हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस को टिप्स पे किया था जी, फिर मैं खुद बार बार नेट क्वालिफाई करता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटीज का सिलेबस चेक करता हूँ। JNU यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है मेरे घर के रास्ते में, तो देर आर प्रोफेसर्स हू आर इन टच। जब भी हम CUET को प्रिपेयर करवाते हैं आप मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी CUET के रिलेटेड प्रमोशन वीडियो भी देखिएगा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU टारगेट करना है सिर्फ वही लोग आइएगा, हमें पढ़ाना ही हाई लेवल है, चाहे लिटरेरी थ्योरी हो चाहे कल्चर स्टडीज हो। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ेंगे जी सर, आपको बहुत जैसे लगे ना 80-85% चीजें आप पहले कर चुके जी सर, जी सर। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में और डिटेल में हो जाएगा और इलैबोरेट हो जाएगा जी सर। तो एक चीज और मैं नंदिनी बोलना चाहूंगा, जैसे इस बार देखिए हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत बाजी मार रहे हैं, इस बार UGC नेट की टॉपर भी सुकीर्ति है जिसने इंडिया टॉप किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो दूर दूर अपने अपने गाँव में हैं और ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये भी अब दिल्ली आ गए हैं तो यहाँ पे आज मुझसे बात कर पा रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे बच्चों के पास क्लासेस हैं, बहुत से बच्चों के पास CUET PG के नोट्स हैं, उसे कैसे हैंडल करें वो? सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप लकी हो क्योंकि आपके पास नोट्स है, आपके पास स्टडी मटेरियल है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि देखिए टीचर सिर्फ एक हमें प्रोवाइड करा सकते हैं चीज़ों को,
जो हमें पढ़ना है, टारगेट करना है, वो हमारे खुद के ऊपर ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स CUET PG को गोल कर रहे हैं या फिर उनके कुछ और भी उनके आगे नेट के या फिर और भी वो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं किसी भी पेपर के लिए, तो वो जो आपके पास मटेरियल है, मैं फिर यही कहूँगी कि उसी मटेरियल को सर ढंग से पढ़ें, उसी को ही गो थ्रू करें, उसी से ही। तो उससे क्या होगा कि जब हम एक बार सारा मटेरियल जो भी हमारे पास है उसको पढ़ लेंगे, एक बार जो भी क्लासेस हैं हम वो सारे अटेंड कर लेंगे, तब हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि सर जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की तो मैंने एक पेपर उठाया, मैंने पेपर उठा के पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने तो पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रही, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। लेकिन इससे यही फायदा होता है कि जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, चाहे फिर हमें 4-5 क्वेश्चन नहीं आए बट दिमाग में ऐसा रहता है कि हाँ हमें चीजें आ रही हैं। तो सर खुद से पढ़ें और जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसको एक बार गो थ्रू करें ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और फिर उसके बाद देखें कि कहाँ पे कमी रह रही, कौन सा पोर्शन कवर करना चाहिए, कौन से पोर्शन में हम लैग कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर तैयारी शुरू करें। लास्ट के कुछ 2-3 सवाल और हैं। एक तो ये कि CUET PG के जो नोट्स थे उसको आप कितना रेट करना चाहो, किस लाइक आउट ऑफ 10 अगर आप से बात करें? सर आउट ऑफ 10 मैं 10 ही रेट करना चाहूंगी, क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही उसमें काफी नॉलेज थी सर, जो कि हालांकि हो सकता है कि CUET PG में वो इतना कवर करे, लेकिन फिर भी वो अगर हमने पढ़ी है तो हमारे कहीं ना कहीं जरूर हमारे फर्दर मास्टर स्टडीज में हमारे जरूर काम आई सर वो चीजें। तो मैं तो 10/10 रेट करूंगी सर। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एटमोसफेयर कैसा है? जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्यूरियस होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी नई दुनिया है। मैं खुद गाँव से आया था, जब मैं पढ़ाने गया था ना तो मेरा भी बिल्कुल भी लगा था नई दुनिया है। कैसा माहौल है? माहौल सर हालांकि सर बहुत ही अच्छा माहौल है सर, और हर बच्चे का सपना होता है, और मैं तो कहूँगी कि जिसका भी सपना है तो भाई अपना सपना क्रैक करो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ो, GNU में पढ़ो, बहुत ही अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है, टीचर्स सर सारे प्रोफेसर इतने अच्छे हैं कि सर मैंने देखा है कि प्रोफेसर्स इतनी मेहनत करके आते हैं कि सर वो प्रोफेसर्स खुद अपने नोट्स बना के लेके आते हैं पहले, इसका मतलब इससे पता लगता है कि हमें पढ़ाने से पहले प्रोफेसर्स खुद भी पढ़ के आए हैं। तो सर बहुत ही अच्छी तरह क्लासेस हमारी चलती हैं सर, और बहुत ही अच्छा माहौल है सर, कोई भी बच्चा किसी को कैसा भी डाउट हो सब प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, प्रोफेसर्स आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड, और सर वहाँ पे जाने के बाद सर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें फील होता है कि यस we have done something, we are here, we are different from other students, we are studying here, we are studying in a good atmosphere, we are studying through some good professors. So sir ye main to kahungi ki har bacche ka ye ek lifetime experience hota hai, kyunki jo bhi wo degree karta hai wo aisa nahi hai ki wo time wapas aayega, to jo wo time experience kar raha hota hai wo is one of the best times sir. Graduation ki padhai ka level aur Delhi University ka level, what do you think, kitna bada difference hai? सर ऑब्वियसली सर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सर ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हम लोग, एक तो हमारी एज भी ऐसी होती है सर, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से नहीं लेते, तो ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है बिल्कुल वो तो सर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ईजी होता है, और मास्टर्स में हम एक डेप्थ में हम स्टडी करते हैं, हर चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा आगे फ्यूचर बिल्डिंग होता है कि मास्टर्स के बाद जो भी हम दिशा पकड़ते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है, तो मास्टर्स एक अपने आप में सर एक मोस्ट पावरफुल पिलर है सर। मैं एक चीज आपको कैमरे बताता हूँ, जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था तो उस वक्त तक MPhil वगैरह भी होती थी, मेरे बहुत सारे फेलो प्रोफेसर जो एडहॉक प्रोफेसर हैं, तो कोई MPhil कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, तो मैं उनके साथ भी उनकी क्लासेस में चला जाता था। एंड नंदिनी भी आपको बताएगी, क्लासेस में बैठने की जगह नहीं मिलती, बहुत सारे बच्चे पीछे खड़े होते होंगे जो खिड़कियों के साथ थोड़े थोड़े से वो जो जगह निकलती है बैठने की, लोग उसमें अपनी कमर टिका बैठे होते हैं प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज के लिए। जी सर, जी सर, सर बिल्कुल ऐसा है सर, क्योंकि सभी प्रोफेसर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और देखिए उनके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है सर, उनके मुँह से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत ही मैटर करता है। तो सर जो भी बच्चे, अब ऑब्वियसली जो बच्चे वहाँ पे टेस्ट दे के और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, तो सर बच्चे भी बहुत पैशनेट होते हैं कि हम लोग सुने, और सर प्रोफेसर्स भी बहुत ही, वो भी पूरी ये कोशिश करते हैं कि हम जितना स्टूडेंट्स को दे पाए, जितना स्टूडेंट्स को बता पाए उतना अच्छा है। तो सर सब प्रोफेसर्स बहुत ही मेहनती हैं सर, और सब हर प्रोफेसर का पढ़ाने का अपना सर अलग अलग ढंग है। और सर सबसे अच्छी बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुझे ये लगी कि ऐसा नहीं होता कि हम एक ही प्रोफेसर्स
के पास से पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमें अलग अलग प्रोफेसर मिलते हैं अलग अलग यूनिट पढ़ाने के लिए, जो कि सर मुझे पर्सनली खुद एक बहुत अच्छा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात लगती है कि अलग अलग यूनिट को अलग अलग प्रोफेसर अपने हर फील्ड के एक एक्सपर्ट है जी सर, और वही फील्ड पढ़ाते हैं जी सर। जी सर बहुत बहुत नंदनी धन्यवाद है आपका, क्योंकि आपने ना केवल इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट को इंस्पायर किया। थैंक यू सर। अब के सपने जो है, आपका ड्रीम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, देखिए इनका सपना था, इन्होंने रियलाइज किया, उसको फुलफिल किया है, और उस सपने को देखना और उस सपने को साबित करना, उस सपने को अचीव करना, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, मेहनत। तो जब आप मेहनत करते हैं, बस इतना प्रयास कीजिएगा कि आप मेहनत करते समय जो भी आपकी क्लासेस हैं, नोट्स हैं या गाइड है, वो ऑथेंटिकेटेड हो, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, चलना आपको है, मेहनत आपकी है, लेकिन क्या वो रास्ता सही है, ये आपका कोई भी गुरु कोई भी कोच वो डिसाइड करेगा। तो आप मेहनत कीजिए, चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। एंड विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच नंदी फॉर ज्वाइनिंग अस, इट्स अ कैंडिड कन्वर्सेशन। थैंक यू, सो मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।